हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा। खत्म मैं करूंगा। मैं तेरे काबिल हूं या मैं तेरे काबिल नहीं, ऋतिक रोशन एक बहुत काबिल एक्टर है, ये बात हर कोई जानता है। यामी ने अपने छोटे से करियर में ये प्रूफ कर दिया है कि वो भी एक बहुत काबिल एक्टर है। लेकिन अब दोनों आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए कि काबिल में जब वो साथ आए तो वो कितने काबिल हैं। हमारे स्टूडियो में है ऋतिक और यामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया ऋतिक, आप काफी वक्त के बाद आए हैं हमारे स्टूडियो में, और आपके आने से पहले जिस तरीके का क्रेज था कि ऋतिक रोशन आ रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है वो, और शायद वही क्रेज ऋतिक रोशन को डिफाइन करता है। तो आज ऋतिक जब पूछ रहे हैं कि मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, कितनी नर्वसनेस है? नर्वसनेस से ज़्यादा आई थिंक देर इज एक्साइटमेंट, क्योंकि आई गेट नर्वस ओनली अप टू व्हेन आई सी द फाइनल प्रिंट ऑफ माय फिल्म, और वो हो चुका है। और अब सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है थोड़ा सा है, टू सी हाउ द ऑडियंस विल रिएक्ट नाउ टू द फिल्म। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। आई एम काबिल इनफ, आई हैव नो फियर। बनिएगा दिमाग मियां भाई की डेरे। मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। प्लीज ट्राई नॉट टू कम विद काबिल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन समबडी प्रूव्स मी रॉन्ग। आप सब कुछ समझ जाओगे और आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। फिल्म रईस के साथ आ रही है, बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में आप बहुत बोला जा चुका है, कहा जा चुका है। जो मैंने नोटिस किया तमाम पिछले दिनों में, जब से दोनों की रिलीज डेट साथ में आई, तो ऋतिक का रिएक्शन बहुत रिस्ट्रेन रहा है बहुत, जबकि राकेश रोशन जी का बहुत ही क्लियर रिएक्शन था कि मुझे लगता है कि अगर ये चीज अवॉइडेबल होती तो अच्छा रहता। ऋतिक का इतना रिस्ट्रेन्ड जो रिएक्शन है, वो ऋतिक ने कहाँ से ये जो आर्ट डेवलप की है रिएक्ट ना करने की पिछले कुछ सालों में? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुख नहीं है। आई हैव अ फीलिंग कि अगर काबिल हैड गॉट अ सोलो रिलीज, जिसके लिए मेरे पापा ने प्लान किया था, इतने केयरफुली उन्होंने प्लान किया था कि मेरी फिल्म किसी और के डेट पर ना आए तो अच्छा है, क्योंकि इट विल बी बैड फॉर देम। सो ही डिड नॉट रिलीज हिज फिल्म इन नवंबर डिसंबर। ही एक क्लियर फील था इन जनवरी, तो ही सिलेक्टेड जैन। ही डिडंट माइंड वेटिंग फॉर 2-3 मंथ्स एंड ही डिसाइडेड ऑन जैन। तो वो एक थोड़ा सा दुख तो है ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट ह्यूमन नेचर, यू हैव टू एक्सेप्ट नेचर इटसेल्फ। जब आपके गाड़ी के ऊपर अगर कोई पेड़ है और वो गिरता है आप की कार के ऊपर, या so who do you blame? It is nature. Sometimes things happen and you have to accept it and you have to make the best of it. So mera I am very peaceful, kyunki main janta hu ki ye jo clash ho raha hai ye koi on purpose nahi ho raha hai, ye koi illegal cheez nahi hai, ye koi ऐसे क्लैशेस जो बॉलीवुड में होते हैं तो वो बहुत कई बार रिश्तों में दरार डाल देते हैं। हमने ये पहले बहुत बार देखा है, वो नहीं होना चाहिए। शाहरुख से आपने बतौर असिस्टेंट उनकी फिल्म में काम किया, बतौर को एक्टर उनके साथ काम किया, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। क्या रईस और काबिल के साथ आने से शाहरुख और ऋतिक की इक्वेशन में फर्क आया है? अब तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है। मैं उनके घर पर गया, उनके साथ में बैठा, हम लोग ने बातचीत की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ ट्राई नॉट टू कम विद काबिल, क्योंकि मेरे लिए काबिल बहुत ही एक स्पेशल फिल्म है, तो इट विल हेल्प मी इफ़ यू डोंट कम, क्योंकि वो जो हैं ही इज़ द बिगेस्ट, तो इट वुड अफेक्ट मी एंड माई फिल्म, जिसमें हम लोग ने इतना इतने दिल से हम लोग भी गिवन अ हार्ट एंड सोल इनटू दिस फिल्म। और मेरा ये मानना है कि शाहरुख ने डेफिनेटली बहुत ट्राई किया होगा टू शिफ्ट हिज डेट, बट समटाइम्स इन बिजनेस
यू डोंट गेट वॉट वॉट इज द इजिएस्ट थिंग. तो उनकी भी कोई मजबूरी होगी एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट इज देयर फिल्म ऑल्सो एंड फिल्म इज देयर बेबी लाइक काबिल इज आज. तो आई जस्ट होप दैट आ बेबी दो इज अ स्मॉलर वन इज एबल टू स्टैंड स्ट्रांग इन फ्रंट ऑफ द bigger baby. So let's hope both you know survive well and do well. Tere mere sapne sabhi band aankhon ke taale mein chabi kahan dhoonde bata wo chand ke pyaale mein fir bhi sapne kar dikhaun sach to kehna bas yahi main tere qabil. ऋतिक, अगर हम शाहरुख की क्योंकि बात हुई तो मुझे लगा कि शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय वो एक जनरेशन ऑफ स्टार्स है और उसके बाद रणवीर सिंह, रणबीर, वरुण धवन, ये एक उसके बाद की जनरेशन ऑफ स्टार्स है. ऋतिक खुद को इन सबके बीच में कहाँ रखते हैं? मैं रखता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ हूँ. मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और I am here to be inspired. I keep myself in a place where I can be inspired. When I look at Akshay, I get inspired. I can look at Tiger Shroff and be inspired. So my position is a very special one. I love it. काबिल रिलीज हो रही है और आपके बहुत सारे फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म नंबर वाइज भी बहुत अच्छा करे बॉक्स ऑफिस पर और साथ ही साथ जैसा कि उसने आपको सेटिस्फाई किया, सोल सेटिस्फाइंग जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही दर्शकों को लगे. अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जिस तरीके से ऋतिक ने अपने आप को पर्सनली भी इवॉल्व किया है, जब मैं आपकी फोटोग्राफ्स देखती हूँ अपने दोनों बेटों के साथ तो लगता है कि ऋतिक अपनी लाइफ में एक बहुत सॉर्टेड फेज में अब आ गए हैं. तो आने वाले समय में क्या मोर ऑफ फिल्म्स अब रहेंगी नाउ दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड? More films? Yes. I don't think one has the effect on the other. I'm sure Ritik कहीं ना कहीं तो इंसान की personal life का वो उसके professional sphere में पड़ता है. सही बात है, पड़ता होगा. लेकिन I don't think मेरी जो choices हैं they come from the strength of the script. और yes, बहुत आपने जो कहा वो भी सही है कि एक मानसिक संतुलन और एक पीसफुल एनवायरनमेंट इज़ वेरी कंड्यूसिव टू डूइंग गुड वर्क. लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा हो बुरा हो, अगर एनवायरनमेंट खराब हो तो आई गेट इवन मोर एम्पावर्ड. तो मेरा तो उल्टा है, मेरा उल्टा है. इफ द डिफिकल्टी बिकम्स लेवल 10 आई विल गेट इवन मोर चार्ज्ड कि अभी आई हैव अ चांस नाउ to grow and to prove to myself that I am capable enough to work at a difficulty 10 also. So mere liye to ye game hai. Zara zara neend bhi ajnabi si ho gayi, zara zara chain se dushmani si ho gayi, tum mile ho gaya hai khud ka hi pata, kya karun kya nahi kuch bas mein na raha. दिल क्या करे जब किसी से.
आप दोनों यहाँ हमारे स्टूडियो में हैं, मैं चाहूंगी कि वही एक गाना एक बार लास्ट बस हम लोग सुने, और ऋतिक और यामी ने जिस तरीके से उस गाने में अपनी केमिस्ट्री दिखाई, एक छोटी सी झलक यहाँ हमारे स्टूडियो में। Well, हम गाने के साथ हम गा देंगे। हाँ, गा सकते हैं, गा लेते, कोशिश करते हैं, आप भी गाइए। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं। अगर ऋतिक और यामी वो स्टेप कर दें, मुझे एक टैंगो वाला स्टेप, बहुत मुश्किल है। छोड़ दो मुझको ऐसे मेरी बाहों में जैसे हवाओं में बादल कोई, आइए कम ऑन। छोड़ दो मुझको ऐसे मेरी बाहों में जैसे हवाओं में बादल कोई, कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले, चले जाते हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले, जमी बोले दारा दी दारा दी दारा दी।